करनाल निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। करनाल में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। घरौंडा में अब तक 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है। नीसिंग की बात करें तो यहां पर 39% से ज्यादा मतदान हो चुका है। असंग में अब तक 32.6% मतदान हुआ है। तो करनाल में भी जो चुनाव है, चुनाव के लिए जो मतदान है वो लगातार जारी है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई पहुंच रहा है वोट डालने के लिए। और निकाय चुनाव हैं तो ऐसे में जो जनता के मुद्दे रहते हैं वो बुनियादी मुद्दे रहते हैं, बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दे होते हैं। बिजली, सड़क, पानी, इनकी दरकार जनता को रहती है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये वोट डालने जाते हैं। देखिए तस्वीर में, देखिए बुजुर्ग महिला जो जिनको चलने में भी दिक्कत है, व्हीलचेयर पर ये बुजुर्ग महिला हैं, लेकिन ये जानती हैं कि इन्हें वोट करना है इसलिए पहुंच रही हैं। और इंतजाम अच्छे हैं यहाँ पर, बुजुर्गों को ले जाने के लिए कर्मी तमाम रखे गए हैं जो मतदान केंद्र तक इन्हें पहुंचाएंगे। तो इंतजाम अच्छे खासे किए गए हैं प्रशासन की तरफ से ताकि किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो मतदाताओं को ना झेलनी पड़े, और इसके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन दोनों की तरफ से, पुलिस मौके पर मुस्तैद है, मौजूद है, सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम पुख्ता है। और अपना देखिए वोटर कार्ड जो है यहाँ पर, आईडी कार्ड जो है यहाँ पर दिखाते हुए लोग और उत्साहित हैं, खुश हैं। आप इन महिला, ये इन बुजुर्गों के हौसले को देखकर ही कुछ आप भी सीख ले सकते हैं कि घर पे बैठे रहकर सिर्फ न्यूज देखने से नहीं होगा, मतदान केंद्रों पर जाइए और वोट कीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, क्या अपडेट आप दे पाएंगे, अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? बात की जाए जिस तरीके से करनाल जिले के 3 चुनाव जारी हैं उसको चलते अगर बात की जाए तो अभी तक जो आंकड़ा जो निकल के सामने आ रहा है, नीसिंग का जो एरिया है, नीसिंग क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा पोलिंग जब सबसे ज्यादा हुई, अगर बात की जाए, मैं आंकड़ा आपको एक बार ही जो हमारे दर्शक है वो देख रहे हैं उन्हें आपको उनको अपडेट दे दूं कि जिस तरीके से घरौंडा में अभी तक जो आंकड़ा अपडेट है वो 34% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। सरावड़ी की अगर बात की जाए 32.1% वोटिंग हो चुके हैं। नीसिंग की बात की जाए 42.7% अभी तक जो है वोटिंग हो चुकी है। और असंध की बात करें तो 34.7 अभी तक परसेंटेज जो वोटिंग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक जो सुबह से लेकर अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं नीसिंग जो है, नीसिंग क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ नजर जरूर आया। कहीं वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा होती है उस समय नजर आ रही है। जी ठीक है, अगर बात की जाए महिलाओं की, बुजुर्गों की, तो तस्वीरों में हमने देखा लक्ष्य बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे भी थे जो सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे लेकिन वो जानते हैं कि मतदान करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से जितने भी ये बूथ बनाए गए हैं वहां पर बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई है, चाहे उनको ले जाने के लिए स्ट्रेचर की जो क्षमता होगा उनके लिए, बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहे उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है जो प्रशासन द्वारा, कहीं ना कहीं चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, वो कहीं ना कहीं हर सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं वो अलर्ट है। और चाहे पुलिस की बात करें कहीं ना कहीं पुलिस भी अलर्ट है सुरक्षा की दृष्टि से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्य खबर पर जानकारी देने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।